सुजुकी एवनिस 125 125 सी सेगमेंट में काफ़ी स्पोर्टी डिजाइन और इस एवनिस 125 को अपडेट हो चुका है। तो इस वीडियो में बात करेंगे इस एवनिस 125 का कंप्लीट डिटेल वर्कआउट, जहां पे मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा कि आपको 125 सी सेगमेंट में ये स्कूटी क्या कुछ प्रोवाइड कर रही है और क्या इसकी वैल्यू फॉर मनी है, इसकी प्राइस क्या हो चुकी है, इसमें कलर कॉम्बिनेशन चेंज हो चुके हैं, वो सारी चीज़ें बात करेंगे आगे वीडियो में। भाई सबसे पहले आप देखोगे ये अभी अपने पास ये ब्लैक एडिशन दिख रहा है। अगर कलर कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो इसमें आपको वाइट, येलो, रेड और ये इनका आता है ब्लू टाइप का, जो अभी ये सामने खड़ी है आप देख सकते हैं, दो अभी तो बगल में है, बट अभी इसकी बात करते हैं। सबसे पहले आप देखोगे ये इसका ग्राफिक फुल्ली चेंज हो चुका है, आप चेक करो भाई। और कहीं ना कहीं आपको एरोडाइनमिक पहले भी था, अब और थोड़ा सा एग्रेसिव लग रही होगी, सामने से दिखाता हूँ। उससे पहले भाई इसका की एक बार दिखा देता हूँ, वही आपको की मिल जाती है जो कि नॉर्मल आती है। और इसको यहाँ से हम लगा देते हैं और ऑन करते हैं भाई। तो अभी इस तरीके से इसका आप लुक चेक करो भाई। और यहाँ पे अगर आप देखोगे सामने पे तो ये इनका आप देखोगे ये DI मिल जाएगी, LED लाइट सेटअप के साथ साथ आपको मिल जाती है। और यहाँ पे आपको ग्लॉसी ब्लैक और आपको मैट ब्लैक मिल जाएगी। कैसे, अभी आप देखोगे सामने से आपको लग रहा होगा ये फुली ग्लॉसी ब्लैक है, और यहाँ पर आपको इसके अंदर जो देखोगे थोड़ा सा आपको शाइनिंग कलर आपको मिल जाता है, जो काफ़ी खूबसूरत से लगते हैं। और यहाँ पे मैं बताऊँ तो ये आप देखोगे ये वाइज़र आप देखते हैं सुजुकी का वाइज़र, साइड में आप देखोगे ये इंडिकेटर मिल जाते हैं, हालांकि अभी भी हैलोजन ही मिलते हैं, लेकिन अगर आप एक बार नोटिस करो तो एक बार आप देखोगे ये इनके मिरर जो हैं काफ़ी अच्छे लग रहे हैं भाई, एक बार देखने में आपको काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। यहाँ पर अपना नंबर प्लेट लग जाएगा, साइड देखोगे तो ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर रिफ्लेक्टर दोनों साइड से। और ये स्कूटी आपको मोबाइल कनेक्टिविटी के साथ भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं राइड कनेक्ट का आपको स्टिकर दिया गया, जो काफ़ी सही लग रहे हैं। ये स्टिकर आप देखते हैं ना, स्टिकर आ चुकी है, स्टिकर ओवरऑल काफ़ी सही लग रहे हैं। और ये इनका टायर साइज आप देख सकते हैं 90-90 12 सीजन के टायर, जो कि आप देखोगे MRF के साथ आती हैं, ट्यूबलेस आपको मिल जाएगा। और ये फ्रंट में आपको डिस्क मिल जाती हैं, रियर में आपको ड्रम मिल जाएगी। अभी मैं दिखाता हूँ साइड से, तो आप देखो ये आपको डिस्क साइज आप चेक कर सकते हो, काफ़ी अच्छी डिस्क मिल जाती हैं। और यहाँ पे टायर ये आपको फाइबर, ये भी फाइबर, ये भी फाइबर मिल जाते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे थोड़ा सा आपको स्पोर्टी बनाया गया है एरोडायनामिक तरीके से, यहाँ पे आपको रगेड आपको प्लास्टिक दिया गया, जो काफ़ी सही लग रहे हैं यहाँ से। और साइड पैनल पर बात करें तो ये आप साइड पैनल देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से इसका साइड आपको लग रहा हो काफ़ी गजब से। और यहाँ पर आप देखोगे सुजुकी का एक स्टिकर लगा हुआ है इस गाड़ी के साथ, जो कि काफ़ी सही हो गया। और यहाँ पे इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस 160 mm का हो गया है। गाड़ी की लेंथ की बात करें तो 1855 mm का इस गाड़ी का लेंथ हो गया, मतलब ये स्कूटी है तो आप देख सकते हैं। और साइड से मैं बात कर रहा था तो ये एलुमिनियम फ्रिज के साथ इसका फुट पैक आप देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। और यहाँ पर फुट पैक पर आप देखोगे यहाँ पर तो आपको ये आपको रगेड फ्रिज मिल जाती है। और यहाँ पर आप गैस सिलेंडर ये सारी चीज़ें आप ला सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लगेज हुक के लिए इस तरीके से, और यहाँ पे भी आपको लगेज हुक दिया गया है। एक बार मैं यहाँ से ऑन करता हूँ तो आप देखो ये यहाँ पे आपको कुछ स्टोरेज मिल जाता है, और यहाँ पे मोबाइल चार्जिंग के लिए दिया गया टाइप ए पोर्ट। और एक बार मैं क्या करता हूँ, एक बार दिखाता हूँ, क्योंकि भाई काफ़ी डीप स्टोरेज लग रहा है यहाँ तक, तो एक बार मोबाइल में अपना रख कर देखता हूँ। तो ये मतलब अच्छे से मेरी जो मोबाइल है अच्छे से पहुँच जा रही है, इसको बंद कर सकते हैं, बट इसमें अगर लॉक वाला सिस्टम होता तो और भी बेहतर हो जाता। बट या एक ही चीज़ कर सकते हो कि आप यहाँ पे मोबाइल रखो तो आप जब भी निकालना हो तो इसको बंद छोड़ने से पहले आपको निकाल लेना भाई। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको काफ़ी डीप स्टोरेज मिल जाती है, और यहाँ से इसको लॉक कर सकते हैं, यहीं से आपको फ्यूल टैंक ओपन कर सकते हैं और सीट ओपन कर सकते हैं। तो अभी सीट में एक बार ओपन करके दिखाता हूँ भाई, ये देखो। तो यहाँ पे आपको काफ़ी ठीक ठाक आपको स्टोरेज मिल जाता है, जो कि हाफ फेस हेलमेट इजीली से आ जाएगा, और यहाँ पे फर्स्ट एड किट मिल जाएगा, और ये आप देख सकते हैं, और यहाँ पे टूल किट भी दिया गया, और कुछ गाइड के लिए आप देख सकते हैं। और इसको आप बंद कर सकते हैं यहाँ से। सीटिंग की बात करोगे तो सीटिंग आपकी काफ़ी सही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड है ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बट काफ़ी सही लग रही हैं सीट, और काफ़ी वाइड भी लग रही हैं। इस तरीके से आप इसका सीटिंग आप देख सकते हैं, जो कि काफ़ी सही है। और इनके ये ऑन करोगे तो इस तरीके से इनका मीटर आपको नज़र आएगा, मैं दिखाता हूँ आपको, ये आप देख सकते हैं भाई। तो यहाँ पे टाइमिंग, फ्यूल कितनी है वो आप देख पाओगे, स्पीडोमीटर, बैटरी का वोल्टेज आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। और आई स्मार्ट सेट का बटन दिया गया है, मोड का बटन, कितना किलोमीटर ट्रिप है, ट्रिप भी एवरेज कितनी है वो आप देख सकते हैं।
और इसमें मोबाइल कनेक्टिविटी कर ही सकते हो, तो वो सारी चीज़ें मिल जाएगी। और ब्रेक लॉक ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, सेफ्टी के लिए काफ़ी सही है। यहाँ पे लो बीम हाई बीम के लिए इंडिकेटर देख सकते हैं, हॉर्न एक बार देख लो भाई, तो सिंगल हॉर्न है इस तरीके से, इसका हॉर्न आपको मिल जाता है। इंजन किल स्विच, सेल्फ के लिए आपको बटन दिया गया यहाँ पे, और इस तरीके से कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया, हैंडल बार आपको दोनों साइड से दिया गया। तो ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी सही बना देते हैं। यहाँ से पीछे बात करोगे तो पीछे आप देखोगे यहाँ से, तो इसमें आपको 5.2 लीटर का टैंक मिल जाएगा और E20 पेट्रोल को भी सपोर्ट करता है, तो काफ़ी सही है। यहाँ पे आधो सिल्वर टाइप काली फिनिश की गई है, और यहाँ पे आधो ग्लॉसी ब्लैक के साथ साथ आप देख सकते हैं स्प्लिट ग्रिल व्हील, जो इसका एरोडाइनमिक है काफ़ी सही है। आप पीछे से लुक देखोगे शार्प एजेस की तरीके से है, और यहाँ पे अभी आप देखोगे ये लाइट जल रही होगी, तो ये अभी एक एक जल रही है। जब आप ब्रेक प्रेस करोगे तो इसके यूनिट के इसके अंदर आपको काफ़ी बल्ब दिए गए हैं, ये सारी चीज़ आपको जलती हुई दिखेगी, तो ये एक्चुअली में काफ़ी सही लगते हैं। बाकी इंडिकेटर आपको थोड़ा सा हार्ड और हल्का सा फ्लेक्सिबल दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। नंबर प्लेट लाइट हेलोजन दी गई है, रिफ्लेक्टर यहाँ पे काफ़ी वाइड टारगेट के लिए यहाँ पे दिया गया, और इसमें आपको 125 सीसी सेगमेंट में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं भाई किक प्लस सेल्फ का भी मिल जाएगा, मिडिल स्टैंड साइड स्टैंड ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर दी गई हैं। ये इनका सस्पेंशन देख सकते हैं, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आप देख पाओगे जो कि स्प्रिंग लोडेड के साथ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इनका मोटर बात करोगे तो 8.58 BHP का पावर मिल जाता है, और टॉर्क की बात करोगे 10 Nm का टॉर्क ये निकाल के देती है, तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और मैं साइड से बात करूँ तो साइड पे आप देखोगे ये आपको फाइबर्स ऐसा चीज़ आपको दी गई हैं, और यहाँ पे एग्जॉस्ट मफलर के लिए आपको बोल सकते हो यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये अपना हार्ड प्लास्टिक जो कि मैट ब्लैक इसके साथ दी गई, तो ये काफ़ी खूबसूरत से लगते हैं। टायर सेशन की बात करते हैं तो 90-110 सेशन के टायर आपको यहाँ पे दी गई हैं। और सुजुकी का आप देखोगे जो ग्राफिक ये वाली पैनल देखोगे तो एवनिस का आप देखोगे ये ग्लॉसी ब्लैक लोगों के साथ आती है, यहाँ पे स्टिकर नई वाली दी गई हैं, सुजुकी इको परफॉर्मेंस का आपको बैज मिल जाता है। तो ये कुछ अपडेट हो गई। अभी बात करते हैं प्राइस की, तो इसकी जो प्राइस आती है आपको 1,15,813 रुपये ऑन रोड मिल जाएगी, जो कि SRM सुजुकी रिंग रोड लखनऊ पे आपको देख सकते हो भाई इनकी प्राइस है। अगर हम बात करें इसकी वारंटी की तो 2 ईयर का वारंटी मिल जाएगा और 24,000 किलोमीटर के साथ। अगर माइलेज की बात करें तो आपको 50 से 55 के बीच में इसका माइलेज इजीली से मिल जाएगा। तो ये कुछ सही चीज़ें मैंने बता दिया, बाकी इस गाड़ी का लेंथ ही मैंने बता दिया, और आई थिंक इसका हाइट जो है 780 mm। एक बार मैं बैठ के भी दिखाता हूँ इसकी हाइट मेरी हाइट के हिसाब से कैसी लग रही, और ये गाड़ी काफ़ी अच्छे से हैंडल हो जाएगी। और ये आप देख सकते हैं इस तरीके से, अगर आपकी हाइट 5 फुट के पास भी है तो आप इसको अच्छे से चला सकते हैं। मेरी जो हाइट 5.8 फीट की है, आप देख सकते हैं इस तरीके से काफ़ी अच्छे से आप इसको कर सकते हैं। स्पेस भी काफ़ी सही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरी हाइट के हिसाब से आप देखोगे काफ़ी स्पेस ठीक ठाक स्पेस आपको मिल जाता है। और गाड़ी का जो कर्व वेट है 106 kg के आसपास इसका कर्व वेट है, तो मतलब इसको आप इजीली से चला सकते हैं। अगर इसमें प्रॉज एंड कॉन्स की बात की तो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ मुझे मतलब कॉन्स नहीं लग रहा है कि इसमें कुछ ऐसी बुराइयाँ मुझे लगे, क्योंकि आप देखोगे नई अपडेटेड ग्राफिक भी आ चुकी हैं आपके पास, मतलब कलर मल्टीपल आ जाते हैं और काफ़ी अच्छी डिजाइन लग रही हैं। और इनका पावर एंड टॉर्क का रेशियो जो है वो काफ़ी सही रखा गया, तो ये आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं, आप अपने नियरेस्ट शोरूम पे जा सकते देख सकते हैं। बाकी ये था आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर से करें भाई।